जी, एक तो जो आपने कहा कि इस तरह की कहानी हमारे हिंदी सिनेमा में उसके लिए कोई जगह ही नहीं होती है, इसलिए मुझे अच्छी भी लगी। और दूसरी, मैंने जहां से शुरुआत की थी, आप सबको पता होगा चाणक्य से, चाणक्य भी भारत का पहला प्रधानमंत्री था। इसमें भी जो आप कहानी देख रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री की कहानी देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस चीज का हमारे जीवन से सबसे बड़ा संबंध है, राजनीति। हम अखबार का पहला पेज जब हर सुबह पढ़ते हैं तो पहली जो खबर पढ़ते हैं वो देश की राजनीति की खबर पढ़ते हैं। जब रात को टीवी भी देखते हैं तो राजनीति की खबर देखते हैं, लेकिन उस पर सिनेमा नहीं बनाते। तो मुझे लगा एक ऐसी कहानी जिसका संबंध आपके जीवन से हर दिन पड़ता है, आपने पिछले कुछ सालों में कई सरकारें भी बदल दी, वो ताकत जिस आम आदमी के पास है वो राजनीति पर बनी फिल्में क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं समाज बनाता। तो राम की ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा ये चुनौती मुझको स्वीकार करनी चाहिए कि देश के सामने दूसरी या तीसरी राजनीतिक फिल्म मैं लेकर जाऊं। इसकी वजह सिर्फ यही है, यहाँ पे अच्छी स्क्रिप्ट, इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट्स की कमी है, और इसीलिए मुझे इतना वक्त लगा फिल्मों में वापस आने का। मैंने टेलीविजन कभी छोड़ा ही नहीं। इनफैक्ट आई थिंक सिर्फ मैं ही हूँ जिसने कभी नहीं कहा कि मैं टेलीविजन छोड़ूंगी फिल्मों के लिए। आई वॉन्ट टू बैलेंस बोथ, अगर मुझे अच्छी अच्छी फिल्में और अच्छे टीवी शोज मिले, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। कोई भी माध्यम किसी चीज के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहूंगी। आई एम ऑल्सो डूइंग थिएटर, तो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ मैं। जी चंद्रप्रकाश जी, एक सवाल यहाँ से जी। ये कहानी कहा आपने कि आम आदमी कहानी है, लेकिन पर्दे के पीछे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की कहानी है जिसका चेहरा मोदी से मिलता है। ऑडियो गया, ऑडियो ऑडियो गया ना, आ गया, आ गया। ओके ओके, हाँ जी आ रही है, मैं बोल सकता हूँ, मालूम है। हेलो, प्रधानमंत्री इसका एक प्रमुख चरित्र है। जब वो स्क्रीन पर नहीं होते तो लोग उनकी बात करते हैं, और ये महज योगानुयोग है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपको जो चेहरा मोदी का दिखता है मुझे वो चेहरा मोदी जी का नहीं दिखता। ये फिल्म जिसके पहले देश की सरकार बदली, उसके पहले ये फिल्म बन चुकी थी। 4 फरवरी को हम लोगों ने फिल्म की शुरुआत की थी, 4 अप्रैल को फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी, देश की सरकार उसके बाद बनी है। दूसरी बात, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि इस देश में हर दाढ़ी वाला श्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है। सुशील मोदी भी दाढ़ी रखते हैं, यदि मैं आपको याद दिला दूं। अमित शाह भी दाढ़ी रखते हैं, नीतीश कुमार भी दाढ़ी